हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। और ये मोल कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के लिए। हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और ये मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड है, इसलिए हम मोल कॉन्सेप्ट को तीन या चार पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिंपल क्या है, फिर उसको स्टोशियोमेट्रिक के साथ पढ़ेंगे, फिर अलग से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अलग से वैल्यू पढ़ेंगे। तो हम ऐसे तीन या चार लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके चलेंगे, और बिल्कुल अच्छे से समझना है। जो बच्चे खासकर जेई और नीट के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए मोल कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, इक्वेशन से कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, तो भी मोल कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ती है। आप कंसंट्रेशन टर्म में मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमें बहुत अच्छे से समझना है मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये जनरली एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की 7 बेसिक यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने अमाउंट को पढ़ा था मोल में। तो मोल क्या है? बेसिकली एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस अमाउंट को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम में, नंबर में, वॉल्यूम में, इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म में इसका क्या यूज है, तो वो सारी बातें हम पढ़ के चलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल अच्छे से एक एक लेक्चर को, एक एक मिनट को बिल्कुल अच्छे से समझना है और अधूरा नहीं छोड़ना है। मैं रिकमेंड करता हूँ सभी बच्चे, सभी मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो जो बनेगी उनको सभी को देखें, तभी जाकर के आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो पाएगा। यहां तक क्लियर है बात? ये तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आपको आता है, नहीं आता है, कुछ भी नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा, एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऐसे इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और भी लिख देता हूं मैं जो यूज होंगे, कार्बन एटम, ठीक है, ऐसे सल्फर एटम, ये सभी क्या है? एटम। ठीक, एक होता है बेटा मोलिक्यूल। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल एक्चुअल में होता है कंबिनेशन ऑफ एटम, और वो कंबिनेशन ऑफ एटम यानी कि उसमें एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे H2SO4, HCl, H2, N2, H2O, O2, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल। एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल फ्रीली हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम, और वन एटम ऑफ सल्फर है, और फोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर होगी बात? ये HCl के अंदर वन एटम हाइड्रोजन का है, वन एटम Cl का है। H2 के अंदर टू एटम हाइड्रोजन के हैं, N2 के अंदर भी टू एटम नाइट्रोजन के हैं। ऐसे आप सभी बता सकते हो कि H2O में टू एटम हाइड्रोजन के हैं और वन एटम ऑक्सीजन का है। ऐसे O2 में क्या है बेटा? टू एटम ऑक्सीजन के हैं। क्लियर है बात ये? अगर मान मुझसे पूछ लेता है, कि मेरे पास सिक्स मॉलिक्यूल H2SO4 है, सिक्स मॉलिक्यूल, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ ईच एटम, कि हर एक एटम का नंबर कितना है। तो अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के कितने, देखो बेटा ध्यान से, H2SO4 में कितने एटम थे? टू,
इनटू में सिक्स तो 12 हो गए, तो 12 एटम हाइड्रोजन के हैं। अगर मैं सल्फर की बात कर रहा हूं तो 6 एटम्स किसके हैं, सल्फर के। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 4 × 6 24 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो यानी कि अगर हमें मॉलिक्यूल पता हो तो उस मॉलिक्यूल में हम नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स बता सकते हैं। टोटल पूछ लेता, टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम्स सभी को जोड़ दो तो ये हो गए 42 एटम्स। यहां टोटल कितने हैं बेटा, सभी को जोड़ दो, 7 एटम्स, 2, 1, 3 और 4, 7। यहां टोटल कितने हैं, 2, यहां टोटल 2, यहां टोटल 2, यहां टोटल 3। तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मेनली एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता करना, कंफर्म है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं, ये आप अच्छे से बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखें आप लोगों को निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स। नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स बताने बेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहले है 6C6H12O6 और आल्सो टोटल एटम्स, ठीक है बेटा, टोटल एटम्स भी बताने हैं। मेरे पास है 4H2SO4, मेरे पास है 8H2O, मेरे पास है नंबर 4 पे 10HNO3, मेरे पास है नंबर 5 पे 2HCl, नंबर 6 पे मेरे पास मान लो 3 सोडियम क्लोराइड। ये सभी में बता सकते हो। अगर मुझसे पूछता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, 3, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, डिफरेंट टाइप्स टोटल नहीं पूछे उसने, टोटल तो यहां पूछ लिया उसने, डिफरेंट टाइप्स पे यहां कितने हो जाएंगे, 3, यहां 2, यहां 2। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी हम बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स भी बता सकते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, जो आगे कोफिशेंट होता है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो ये 2H इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 4 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, वो सभी के साथ क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है। क्लियर होगी बात ये। अब आगे देखेंगे, मैं आपको पहले 1 by 1 डिस्कस करूंगा सेकंड पार्ट को, और फिर मैं उनको कंबाइंड करके कॉमन सा फॉर्मूला बनाऊंगा और फिर उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा जो 1 मोल होता है, 1 मोल ये एक्चुअल में मोलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से देखना, मेरे पास वाटर है, वाटर, अगर मैं वाटर का मोलर मास निकालता हूं, मोलर मास को मैं mm से रिप्रेजेंट करता हूं, हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16, तो टोटल 18 ग्राम। दैट मीन्स क्या हो गया, इन केस ऑफ वाटर 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर मुझे कह दे हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 5 मोल्स में। अब देखो 1 मोल सॉल्यूशन देखेंगे बेटा,
वन मोल किसके बराबर है? मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि वन मोल किसके बराबर है? 18 ग्राम। तो 5 मोल्स किसके बराबर होगा? 5 × 18, तो ये कितना हो जाएगा? 19 ग्राम्स। कोई दिक्कत है? अब देखो, आप लोग में H2O, 6th क्लास से हम H2O सुनने लग गए हैं, वाटर। कोई बच्चा मुझे इसका केमिकल नेम बताएगा बेटा? केमिकल नेम, H2O का केमिकल नेम। अब दिमाग में आए होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे दिमाग में आए होगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। बेटा एक्चुअल नेम होता है, एक्चुअल समझेंगे, डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। बहुत बार इसको ऐसे लिख देते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, बट आप ये लिखेंगे, मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब दो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको H2O का केमिकल नेम नहीं पता होता, तो डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। चलो बाद की बातें, एडिशनल बातें हैं, हम इसको साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर रहा हूं बेटा। अब मुझसे क्वेश्चन सेकंड दे दिया, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 180 ग्राम? 180 ग्राम वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/18 मोल्स, और कितने ग्राम है बेटा? 180 ग्राम, 1/18 × 2 में 180, 10 मोल्स। ये बात क्लियर होगी? तो किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 18 हो, वो डिपेंड करेगा आपके कंपाउंड के ऊपर। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं जिनसे आप पता करेंगे कि कैसे कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बेटा। जैसे मान लो वाटर का केस हो गया, इन केस ऑफ वाटर 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम, इन केस ऑफ CO2 1 मोल इज इक्वल टू 12 + 32 44 ग्राम, इन केस ऑफ H2SO4 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम। पॉइंटों में वैल्यू आती है, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। इन केस ऑफ HCl 1 मोल इज इक्वल टू 36.5 ग्राम्स, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड 1 मोल इज इक्वल टू 23 + 35.5, तो 58.5 ग्राम। आता है ना सबको मोलर मास निकालना? तो किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो यहां तक सभी राइट डाउन करेंगे। अब इसे आगे पढ़ते हैं हम, सेकंड पॉइंट बेटा। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि 1 मोल किसके बराबर है बेटा? मोलर मास के। सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, जो 1 मोल होता है इसके अंदर एवोगैड्रो 6.023 10^23 मोलिक्यूल्स, एवोगैड्रो जितने मोलिक्यूल्स होते हैं, अब मोलिक्यूल बोल सकते हो एटम्स, अगर अकेला एटम की फॉर्म है तो एटम्स हो जाएगा, आयन है तो आयन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो, इसको लिखते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर, Na मोलिक्यूल्स आयंस एंड सो। तो इसको क्या लिखते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो मैं एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं, 6.023 10^23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इनका जो कितने मोल होंगे इसमें? 1 मोल। अगर मान लो एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर में निकालना है, तो 1/6.023
10^23 मोल्स, ऐसे हो जाएंगे। 100 मोलिक्यूल्स में निकालना है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो ऐसे निकाल लोगे 1/6.023 10^23। 22 भी होता है, 23 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा मोल्स। ठीक है बेटा, 6.022 भी है कुछ बुक में, आप 23 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूल्स का केस। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से देखना। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2 moles, कितने H2SO4 प्रेजेंट है। अब देखो सॉल्यूशन देखेंगे, 1 mole ऑफ H2SO4 कंटेन 6.022 या 23 10^23 मॉलिक्यूल्स, और 2 moles में क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 2 moles ऑफ H2SO5 कंटेन 2 × 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप 22 लिख लो, 23 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, हाउ मैनी डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन 2 mole ऑफ H2SO4 2 mole है। पहले मैं पूछा उसने मॉलिक्यूल, अब उससे कितने एटम प्रेजेंट है, तो पहले तुम क्या करेंगे मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, और फिर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उस हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा बेटा, 2 mole ये निकाला हो मैंने, 2 mole ऑफ H2SO4 कंटेन 2 × 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स, हमने पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिए। अब बेटा एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का कितना है 4, तो यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन हाइड्रोजन एटम्स कितने, 2, और अगर मान लो 2 × 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन हाइड्रोजन एटम, तो 2 × 2 × 6.022 10^23 एटम्स ऐसे निकाल लोगे बेटा। ऐसे ऑक्सीजन के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन ऑक्सीजन एटम्स कितने बेटा, 4, अगर मेरे पास 2 × 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स है तो इसके अंदर कितने हो जाएगा बेटा, 4 × 2 × 6.022 10^23 एटम्स। तो हमें कभी कभी मोल से मॉलिक्यूल निकालने पड़ते हैं, और मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं बेटा, एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। अगर उसने हमें मॉलिक्यूल दिया, अगर वो हमें बोल देता, मान लो देखो ये तो बात थी मॉलिक्यूल की, एक क्वेश्चन अगर हमें ऐसे दे देता, डायरेक्ट एटम दे देता हमें, अब मैं केस लेके चल रहा हूं सोडियम का, सोडियम Na, एटॉमिक मास कितना होता सोडियम का, अकेले एटम के लिए एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो 23 ग्राम किसके बराबर है, 1 mole के। ठीक है, तो यानी कि 1 mole के अंदर कितने एटम्स हैं, 6.022 10^23 एटम्स ऑफ सोडियम। अब जब अकेला है तो हम किसकी बात करेंगे, सोडियम की, अकेले में हमने उसने पूछ लिया, तो यानी कि अकेले में हम एटम्स की बात करेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो पहले हम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, और जितने मॉलिक्यूल आए उसमें फिर हम बाद में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो बेटा दो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है, अभी हम बात कर रहे हैं
थर्ड डेफिनेशन की जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, आपको ध्यान हो बेटा एवोगैड्रो लॉ में एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अब इसकी कंडीशन भी है वो अगले उसमें आ जाएगी, पहले जनरली बता देता हूं। एट एसटीपी जो वन मोल होता है ये 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 22,400 ml या सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml ऑफ गैस इसके बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे दे दिया 22.4 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसके बराबर है वन मोल के। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मुझे कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन फोर मोल्स, अब देखो बेटा वन मोल में कितना प्रेजेंट है 22.4 लीटर्स, ठीक है, और फोर मोल किसके बराबर हो जाएगा 4 × 22.4 लीटर्स ऑफ CO2, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते। तो यहां तक बड़ा सिंपल चल रहा, आपको समझ में भी आ रहा, क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन है वो आप साथ के साथ करेंगे। अब मैंने एक और बात कही, एक और लास्ट डेफिनेशन है फोर्थ, जो वन मोल होता है वो वन ग्राम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वन मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर भी होता है, ये मोलिकुलर मास ही होता है बट 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर होता है, तो ये क्या है मोलिकुलर मास। तो 1 मोल को मैंने 4 अलग अलग डेफिनेशन में बता दिया, इन चारों डेफिनेशन को अगर मैं एक साथ लिखता हूं, चारों डेफिनेशन की अगर मैं एक साथ बात करता हूं, तो जो 1 मोल है ये बेटा एक चौराहे की तरह है, 1 मोल बराबर है मोलर मास, 1 मोल बराबर है 6.022 × 10³ मोलिक्यूल्स आयंस एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, तो ये क्या हो गया आपका बराबर, या इसको ऐसे लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है बेटा, 1 मोल बराबर है 22.4 लीटर्स गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और 1 मोल बराबर है 1 ग्राम मोलिक्यूल्स के। ठीक है, तो 1 मोल एक चौराहे की तरह है और ये पांचों टर्म आपस में इक्वल है, तो आप जरूरी नहीं कि मोल से देखें, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। देखो मोल और मास बराबर 1 मोल के, और 1 मोल बराबर 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट एसटीपी के, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई। ऐसे ही बेटा मोलर मास बराबर क्या हो गया 1 मोल के, 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर, तो मोलर मास किसके बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही 1 ग्राम मोलिक्यूल किसके बराबर है मोल कॉन्सेप्ट के, 1 मोल के, और 1 मोल किसके बराबर है इसके, तो दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो ये पांचों टर्म आपस में क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने बेसिक सा एक डेफिनेशन पढ़ी है जो हमारी 11th में एनसीईआरटी में है, जिससे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और आपस में इनका रिलेशन पढ़ेंगे। एक बार इस चौराहे को बनाएंगे सभी, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़े से एक 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन देता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ CO2 प्रेजेंट, लीटर से बेटा है ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 22 ग्राम्स, 22 ग्राम्स में कितने लीटर CO2 प्रेजेंट है। अब देखो मोलर मास का मतलब CO2 का मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, मोलर मास में कितने लीटर होती है 24
4.22.4 लीटर्स ऑफ CO2। 44 ग्राम में 22.4 लीटर है, तो 22 ग्राम में निकाल देंगे बेटा, तो इसका हाफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पहले आप ऐसे सोल्व कर लो, 1 ग्राम में निकाल लो 22.4 डिवाइड बाय 44 लीटर्स, और फिर क्या करो 22 ग्राम में निकाल लो 22.4 डिवाइड बाय 44 इंटू में 22, इसको दो से डिवाइड हो गया 11.2 लीटर्स, ठीक है, ऑफ CO2। तो ऐसे इन सभी का रिलेशन है जो हम यूज करेंगे। अब ऐसे मेरे से पूछ लेता है क्वेश्चन एक और है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन, आप ऐसे 54 ग्राम्स, 54 ग्राम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब मोलर मास में कितने, एवोगैड्रो सॉल्यूशन कर दो, वाटर का मोलर मास बेटा 18 ग्राम, 18 ग्राम H2 कंटेन 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2, और बेटा मुझे 54, 1 ग्राम में कितना आ जाएगा 6.022 × 10^23 डिवाइड बाई 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स, और 54 ग्राम्स में कितना हो जाएगा 6.022 × 10^23 डिवाइड बाई 18 इंटू में 54, 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 × 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। तो इन सभी में क्या है बेटा, आपस में रिलेशन है, तो सभी से हम यूज करके एक दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है बेटा, उसका वेट क्या होगा, अब देखो 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होता है वाटर के, 18 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा बेटा 18 डिवाइड बाय 6.022 × 10^23 ग्राम्स, सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सभी में रिलेशन है जो हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का पढ़ा, एक चौराहा मैंने आपको बना के दिखाया, हर एक डेफिनेशन को बताया, यहाँ तक सभी बच्चों को पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें और आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है, देखो बेटा अगर फर्स्ट वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई तो सेकेंड वीडियो अपने आप आ जाएगी, तो पहले हमें फर्स्ट वीडियो को अच्छे से समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं, इस चौराहे को याद रखना है, और आसानी से हम कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।